हम चाहेंगे कि अगर जो सबका नेता है उनको कई काम है, पार्टी में कई सीटें हैं, जरूरी है कि एक आदमी के ऊपर तीन बदल लाभ दिया जाए, एक काम दिया जाए तो ठीक है, प्रवक्ता है तो प्रवक्ता रहे। तो हमें चाहेंगे कि जो हमारे वर्कर हैं जो 1980 से जुड़े हुए हैं वो क्यों हताश हो, वो क्यों मुंह ताज हो जाए, उनको क्या हो गया कि जी हमारा मकान गिर गया और इस प्रदेश में कोई हमें देखने वाला नहीं है। तो कल हम उनको उनसे मिलेंगे भी और उनका मकान भी देखेंगे और जो भी हम कर पाएंगे उनकी मदद करेंगे। अगर ऐसे नहीं होगा तो हम कोर्ट में ले जाएंगे। और हमारे बड़े नेता इंक्लूडिंग शांता कुमार जी हार गए, उसके बाद हम निरंतर पार्टी का काम करते रहे। उसके बाद मेरे को आज तक कभी टिकट नहीं दिया, परंतु टिकट नहीं दिया तो जिसको भी टिकट दिया, पार्लियामेंट का दिया, असेंबली का दिया, जिसको भी दिया, हमने खुले मन से उसका समर्थन किया, हमने विरोध नहीं किया। और अभी काफ़ी अच्छे से लोग हमारे पास आ रहे हैं, पार्टी के लोग जिनको हम पुराने जानते हैं, वो बोलते हैं जी इस कोर्ट कलहूर में पार्टी का बुरा हाल है, हम इस सीट को नहीं जीत पाएंगे, पीछे भी हार गए हम इस सीट को और इस बार भी ऐसा लगता है कि सीट जीत नहीं पाएंगे, तो आप लोग आओ और कुछ करो। तो हम लोगों ने अभियान शुरू किया है कि लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इस बारी हमने सीट जीतनी है पूरा जोर लगा करके, और जो भी परिस्थिति बनेगी जैसे भी बनेगी उसमें मैं भी अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर रहा हूँ, क्योंकि जब 1982 में हमने चुनाव लड़ा था उसमें पार्टी की कोई खास स्थिति नहीं थी, आज पार्टी टॉप के ऊपर गई है मोदी के नाम पर और अन्य जो लीडर हैं उनके नाम के ऊपर हम आसानी से जीत सकते हैं और प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट भी है, परंतु इस क्षेत्र में जितनी डेवलपमेंट कंपेरेटिवली और जगह हुई वैसी नहीं हुई। यहाँ पर जो अभी दो नेता चल रहे हैं, अगर एक की गवर्नमेंट आती है तो दूसरा तीन में बनता है, वो बनता है तो वो बन जाता है, इसमें तो मतलब एक के बजाय दो MLA हमेशा ही रहे। अगर रामलाल जी हार गए पिछले बारी तो चेयरमैन बन गए, अभी रणधीर जी हार गए ये चेयरमैन बन गए, इसका क्या मतलब है? तो दो MLA तो यहाँ पर हर बारी हुए, यहाँ की डेवलपमेंट बाकी जगह से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं भाई 4 लेन बन रही है और रेलवे लाइन आ रही है और यहाँ से नेशनल हाईवे जाता, ये तो बाय द वे कुदरती है, इसको नहीं डेवलपमेंट दिया, हम गिनेंगे डेवलपमेंट जो इंटीरियर में लोग बैठे हुए हैं इतने सालों से और पार्टी को जिता रहे हैं। तो उनको तो ये चाहिए था कि क्षेत्र में घूमते, क्षेत्र में काम करते और हर जगह वो करते। कल तो मेरे एक भाई से बात हुई, उसने बताया कि मैं तो क्या कहूँ कि मैंने टेंट लगा करके इसमें रह रहा हूँ। उस भाई का नाम है महेंद्र, छंपजान से है कि वहां से नीचे से टनल गई और मेरा मकान जर्जर हो गया, उसमें मैंने जो